आज बना रहे हैं थाली पीठ। थाली पीठ को बनाने के लिए भांजनी का आटा चाहिए। वो आटा बाज़ार में रेडीमेड भी मिल जाएगा आपको। भांजनी का आटा घर पर बनाने के लिए हमने अलग अलग से वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिए और आटा कैसे बनाना है आप सीख सकते हैं उससे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे फैमिली मेंबर में 6 मेंबर, इसलिए हम लोग ना ये 2.5 कटोरी आटा लेंगे। 2.5 कटोरी आटा लिया है। इसके हम ये थाली पीठ की रोटी बनाएंगे। मराठी में इसको भांजनी बोलते हैं। 2.5 कटोरी हमने आटा लिया है और ये लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, एक थोड़ी सी 2 चम्मच जितना वो उसमें मिक्स करेंगे। लहसुन का मिक्स कर दिया है। हरी मिर्ची 4 पीस हरी मिर्ची लिए, उसको कटिंग करके ऐसे बना के रखा है, पेस्ट बना के रखा है, उसको मिक्स करेंगे। और ये धनिया लिया है थोड़ा सा, एक थोड़ी स्वाद के लिए। और 4 कांदे लिए, 4 ओनियन लिया है, उसको ऐसे काट करके उसमें मिक्स किया। अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने 1.5 चम्मच डाला है। इसमें अभी आधे चम्मच हींग मिलाएंगे। हींग कभी भी अपने फायदे के लिए होती है। और उसको थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे ताकि अपने रोटी सॉफ्ट हो जाए। 2-3 चम्मच जितना ऑयल मिलाएंगे। अब इसको आटे को गूथेंगे पूरा, रोटी बनाते हैं वैसे, रोटी का आटा बनाते हैं वैसा इसको बनाएंगे पूरा। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे इसको आटे को बनाना है। इसकी रोटी आप खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, थाली पीठ बोलते हैं। इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर वो बेसन पिटला जो होता है उसके साथ खा सकते हैं। आप कड़ी के भी साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको जैसे उसके साथ आपको सूट हो, आपको मज़ा आए, टेस्ट लगे, उसके साथ खा सकते हो। चटनी के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, क्योंकि ये मसाले वाली रोटी बन जाती है एक तरह की। और ये 7 धान का मिक्स किया हुआ आटा है, उसका टेस्ट भी अलग पूरा आएगा एकदम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको आटे को। आटा रेडी हो गया, अभी गूंथ के रेडी हो गया आटा। अभी इसको हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और फिर बाद में इसको रोटियां बनाएंगे। ऐसे छोटी छोटी लोइयां बना के रखेंगे रोटी बेलने के लिए। अगर हाथ में आटा थोड़ा थोड़ा ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा आप ये सूखा आटा भी ले सकते हैं साथ में, या फिर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको लगे वैसे यूज़ कर सकते हैं। सब लो ये बना के रखेंगे हम लोग, उसके बाद रोटी बनाएंगे। रोटी कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तवे को चालू, गैस को चालू करेंगे, तवे पर रखेंगे। ये जो लोई बना के रखी है उसको हम रोटी बनाएंगे।
ये आप रोटी बना दीजिए। ऐसे ही रोटी बनेंगे। इसको आप गोल शेप में काटना चाहे तो काट सकते हो। इसको भी तवे पे पकाएंगे उसको। गैस थोड़ा धीमा ही रखेंगे। पूरी नहीं पकानी है, थोड़ा सा पकने के बाद उसको पलट देना है। उसके बाद उसको ऑयल से फ्राई करेंगे, उसको मतलब ऑयल में पकाना है पूरी रोटी को। रोटी बन रही है आपकी जबरदस्त। आप एक बार बनाएंगे तो होटल का खाना भी भूल जाएंगे। आप घर पे ही बना के खाना खाएंगे ऐसी रोटी। थोड़ी रोटी पक जाएगी तब तक हम दूसरी रोटी बना के रेडी करते हैं बेल के। ये रोटी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन इसको आप अगर गोल शेप में करना है तो आप किसी कटोरी या बर्तन से गोल में कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एकदम सीधी तो बनेगी नहीं, क्योंकि इतने सारे मसाले उसके अंदर है तो किधर किधर से तो उसके बाहर निकलने वाले ही है। ये देखो अभी रोटी को पलट दिया है। अभी रोटी को पलट दिया है एक बार थोड़ा सा। अभी ऑयल डाल के उसको फ्राई करेंगे। जैसे भी ऊपर से ऑयल डाल देंगे। हमने रोटी को कटिंग नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया है। थोड़े बाद पकने के बाद दूसरी साइड से घुमा देंगे वापस, ताकि दोनों साइड से पकानी है बराबर से। धीमे आंच भी करना है सब। ये गैस फास्ट रहा तो रोटी जल्दी जल जाएगी और आपको अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर ऊपर से जल जाएगी रोटी। तो रेडी होने के बाद इसको निकाल देंगे प्लेट में। अभी दूसरी रोटी को हम लोग लेके उसको पकाएंगे इसी तरह से। ये देखिए थोड़ी पकने के बाद उसको भी पलट देंगे। चलते चलते रखेंगे तो ज़रा चिपक जाएगा, इसलिए इसको पहले से थोड़ा सा सीखने के पकने के बाद थोड़ा घुमा देंगे उसको, रोटी को पलट देंगे। अभी रोटी को पलट दिया, थोड़ा सा उधर से पकेगा तो उसको ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। हम ऑयल डाल रहे हैं इसमें रोटी के ऊपर। घुमा देंगे और इधर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। पराठे के जैसे ही रोटी बन जाती है, लेकिन इसमें इतना मसाला है कि वो खाने में इतना टेस्ट आएगा।
जब रोटी पक जाए तो उसको तवे से निकाल देंगे हम लोग। एक दो बार पलट के देख लेंगे रोटी सही से पके है कि नहीं। इसको पकाने के लिए भी एक दो मिनट में रोटी पक जाती है। इसको अभी हम चटनी के साथ सर्व करेंगे और हम लोग चटनी और दही और अचार के साथ में खाना तो खा सकते हैं। चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कैसे इसको रोटी को हम सर्व कर रहे हैं।